नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अभी हम हैं ममता बनर्जी के घर के पास में। यहां से थोड़ा 10 मिनट दूरी पर ही ममता दीदी का घर है। आप हमारे पीछे देखिए, ये आदि गंगा नदी है। इस नदी की स्थिति देखिए, एकदम काली पड़ चुकी है, जैसे कि एक नाला हो। और ये इस नदी के आसपास, इस नदी के घाटों पे कई सारे मंदिर हैं जहां लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इतनी दुर्गंध यहां से आती है कि लोग पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं। जो ये आदि गंगा नदी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो इस नदी को पहले साफ करेंगे। अभी हम हैं भवानीपुर में। भवानीपुर ममता दीदी का जो घर है उससे यहाँ पे थोड़ी दूरी पे है, हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जिनकी छोटी सी लड़की थी 4 साल की, जिसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई गंदा जल पीने से। आप यहाँ पे देखिए, जल यहाँ पे आ रहा है, ये जो पानी आ रहा है लोग यही पानी पीते हैं। और लोग बताते हैं कि इसमें पहले बहुत गंदा पानी आता था, अभी वहाँ पर वाटर टैंकर लगा हुआ है तो लोग वाटर टैंकर का पानी पीते हैं, अब इसका पानी नहीं पीते हैं। क्योंकि जो लड़की थी वो 4 साल की थी, पानी पीने से उसका देहांत हो गया। उनकी माता जी हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। माता जी ये बताइए कैसे हुआ था। अरे तो डायरिया से पानी के भोग खेलक पाइस खेलक वही से था। बीमार हमारे पढ़वे न करक बच्चा, आज के दिन में तो अच्छे रहेगा। आज 15 दिन भेलक, हाँ पूछू बच्चा हमारा अच्छा रहे कि ना। हम तो मौके न दिलक कि हम मामा ने अलग हम लेके जाए। मौका नहीं दिया? कैसे मौका नहीं दिया, मतलब मौका कैसे ना दिला कि हम दिखावे ना सकली अलग। हॉस्पिटल में गए भर्ती ले लेलक, हाँ ऑक्सीजन में से पाइप उप सब लगा दिलक नाक में। अब बोला कि तुम क्या खिया जाए, तो हम कहिए कि हम पाइस अथी होटल अथी में घाट में रहे भोग बनल और घर में हम पाइस खेले रहे और कुछ ना। अब बैलू कुछ हम खेली ना रही तो हम कैसे कही। तो ये जो मंदिर में भोग बना होगा, उस दिन शिवरात्रि थी तो भोग तो बहुत लोग खाए होंगे, तो और किसी के साथ ऐसा? बच्चा रही हूँ, बच्चा जितना बच्चा रहे सबके टट्टी बोमी भले ही रहे, लेकिन वो माने कि ध्यान दिल गई हम तनिका बच्चा रहे। हम सोच ली कि हमारे ठीक हो जाए, हम वही चक्कर में माने 10 बजे लेके गली ताले पर। आप कुछ करते भी हैं? कोठी बाड़ी में काम करेंगे। आप क्या करें, आपको समय नहीं मिला अपनी बच्चे को दिखाने के लिए, और जब आप लेके गई हैं तो कुछ उम्मीद नहीं बचा। उसके बाद कोई आया, दीदी आई यहाँ पे मिलने? कोई ना, खाली एगो जे कथी कॉल करे छी ना वो आयल नहीं देखा कर। बोलू ना पूजा तू, हाँ काउंसिलर आई थी, दीदी नहीं आई जो बोलती हम बंगाल की बेटियां से 10 मिनट पे उनका घर है। कोनो घटा नहीं, बोले बस्ती बारी में तू आ ही ना सकला ना, बस्ती बारी में आ सकला तो कोई जिंदगी में कचरा करा में का की का करते। उनका घर भी तो ऐसे ही बस्ती में ही था पहले, रही थे कि हम का ओकरा बस्ती में, बस्ती से चीर बरई छे लेकिन आदमी से चीर ना बरई छे। वो खाली वोट लेवे के चक्कर में बस्ती हाथ गोर सबके पड़े छे, लेकिन जेकर आदमी बच्चा चल गेलै ओकरा लेल कुछ नहीं भेलै, चिंते ना जहाँ ओकर बच्चा चल गेलै। तो अभी पानी का आप लोग का क्या, कैसे चल रहा है पानी का? पानी वही टंकी से चलती थी, हाँ यही पानी अखनी काम धंधा ऐसे हो चाहिए आप पानी पिए वाला उनमें से पिए। जो इधर नदी है या इधर सुअर इस तरह घूम रहे हैं तो कभी साफ सफाई का बात नहीं होता? ना कभी ना, ये सफाई उफाई कभी ना, वैसी माने बस्ती के आदमी के वो देखे ना चाहे छे, बस्ती के आदमी के देखे ना, बस्ती बारी से तोरा चीर रहे छे, फिलाट बारी में सबके देखते हैं जेकरा ले लइए। हमर सके सुखल मत है तो हमर सके के देखते। काउंसिलर आई तो उन्होंने क्या बोला? ओ कुछ ना, कोई सहयोग मिला, कोई पैसा मिला या फिर और कुछ मिला? पैसा मिलती तो आदमी को हम जनाइए देवे, काहे कि आदमी सब हमरा सर जोड़ देते तो हम बोलबे ना कि हमरा पैसा मिलल, पैसा से ना मिलल, हमें सहयोग नहीं मिला। मतलब बाद में देखेगा, बाद में देखेगा, बाद में कहा तब 15 दिन हो गए। आप लोग बताइए, ये जो बता रही पानी की समस्या है तो पानी से हुआ? हाँ पानी पीने से। यहाँ पे हम लोग का जो ये इलाका है वहाँ पे 50 आदमी का कम से कम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, 50 आदमी का ये प्रॉब्लम हुआ है डायरिया का। हाँ पानी मतलब पहले कैसा था अभी कैसा है? नहीं पहले बीच में पानी ख़राब हुआ था लेकिन अभी फिर ठीक कराया गया है। हम लोग का जो काउंसलर है वो आके फिर ठीक करा के गया है पानी का नल। मतलब जैसे दीदी का घर यहाँ से 5-10 मिनट पे है तो कभी दीदी आती हैं या कभी कभी ना हुआ ना बस्ती में कभी
मतलब दीदी का घर है तो पानी खराब है, तो अपने आप लोगों ने शिकायत करने के लिए कोई है, कोई आता है कि जिससे बोल सके? हाँ, हम लोग शिकायत किए हैं, उसके बाद ही वो पानी का जो नल है वो चेंज करा दिया गया है। नहीं, उसके पहले कोई नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे और क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? अभी कुछ नहीं है, मतलब जो हुआ था वो बच्चे का देहांत हो जाने के बाद फौरन एक्शन लेके सब कुछ ठीक कराया गया है संग संग। हाँ, हम लोग का जो काउंसलर है वो संग संग आके पानी का नल चेंज वेंज करा के, पाइप वाइप चेंज करा के सब ठीक कर दिया। घर वगैरह, पक्का मकान वगैरह? नहीं, वो सब भी ठीक है। हाँ, वो सब भी पहले से बहुत बेटर कर दिया गया है, हम लोग का काउंसलर बहुत काम किया है। आप बताइए। हम कुछ बता सकते हैं, हम यहाँ रहते ही नहीं है तो क्या बताए। नहीं, इधर अभी कैसी समस्या, मतलब कैसा चल रहा है पानी होने का? देखिए, हम यहाँ रहते नहीं है, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस इनका यही सुने थे और कुछ नहीं, बस वही के लिए हम आए थे, ऐसे ही यहाँ पे काम था मेरा, वही इसी के लिए आए थे। पानी तो पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, एक ही नल था पहले, है ना, पहले बहुत प्रॉब्लम था, अभी ठीक ही हो गया, बहुत आगे से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। पहले कब होगा? 10 साल पहले एक ही नल था वहाँ पे, हम लोग जाते थे। साल भर पहले ही आएगा? हाँ, नहीं, बाहर एक बाहर जो नल रहे, कलकत्ता रहता है, 2 साल पहले। 10 साल पहले एक ही कल में हम लोग पानी ना लेते। हाँ, 10 साल पहले एक ही कल था जो हम लोग जाते थे, छोटा में जब थे हम लोग तो वहीं जाके सब वही एक ही में होता था, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। तो अभी भी तो टैंकर आ रहा है पीने के लिए, अभी पानी क्या पीने लायक नहीं हो रहा है? वो हमको कैसे पता होगा? नहीं, अभी मतलब पानी अभी साफ आ रहा है, लेकिन मतलब इतना कुछ हो गया ना तो सब कोई डरे हुए हैं, और इसीलिए अभी भी पानी टैंकी का पानी से हम लोग पानी पी रहे हैं। मतलब नल का पानी में अभी कोई भरोसा नहीं रख पा रहा कि वो प्रॉपरली ठीक है या नहीं, इसीलिए वही डर से सबको अभी भी टैंकी का पानी पी रहा है। दीदी कभी इधर आती है? 10 सालों में आई? नहीं, दीदी नहीं आती है, लेकिन हम लोग का जो काउंसलर है वो ठीक है। हाँ, उनका जो भाई सब है वो लोग आती है, दीदी नहीं आती है। अजय, जो नदी की समस्या है, नदी इतना दुर्गंध मारी, नाले की तरह हो गई है, इसका कभी काउंसलर का वो काउंसलर एक के बाद, मतलब हम लोग यहाँ पे तो बहुत सारा घाट है ना, तो एक के बाद एक काउंसलर काम करा रहा है, और जो वो अभी ये जो नदी है ये अभी इतना मतलब खराब हालत में है, लेकिन ये बीच बीच में ना वो हम लोग साफा कराता है। अभी इतना खराब है, साफ होता है फिर भी? हाँ, नहीं, वो साफ होता है, बीच बीच में ही साफ होता है, और जो यहाँ पे जो साइड में जो हालत है ये, वो हम लोग का जो काउंसलर है सब एक एक करके घाट बना रहा है, मतलब उसका काम अभी तक चल रहा है। आइए और लोगों से हम लोग देखते हैं इधर क्या समस्या है। आप देखिए किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पे लोग रहने को विवश है, और ये जो घर है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, दीदी के घर से मात्र 5-10 मिनट की दूरी पे है। दीदी भी इसी तरह की परिस्थिति से निकल के मुख्यमंत्री बनी है। दीदी भी पहले इसी तरह की बस्ती में रहती थी, लेकिन आज उनके जो घर है, उनके भाइपो का जो घर है, वो उन पर एलिवेटर लगा हुआ है, 7-7, 8-8, 10-10 तल्ले का उनका घर है, कई जगह प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके बगल में जो लोग रह रहे हैं उनकी आप स्थिति देख रहे हैं कि पीने को पानी नहीं है, बगल में नाली बहती है इतनी बड़ी सी, रेड लाइट एरिया है। आप बताइए सर, अभी क्या समस्या इधर आप लोग देखते हैं? सर, हम इधर में रहते नहीं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, हम क्या बता दें? हम आते हैं 15 दिन में, महीना दिन में, हम क्या बता दें? महीना दिन में आते हैं, 15 दिन में आते हैं, महीना दिन में। आइए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे और क्या समस्या है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाची, ये बताइए, ये जो पानी वाला समस्या है ये हल हो गया? हाँ, ये तो हल हो गया, आज कुछ समस्या हम लोग का नहीं है यहाँ पर अब। अच्छा बताइए, चुनावी माहौल किसका है यहाँ पे अभी? दीदी का ही है या मोदी का? तो इलाका है भैया, हम लोग उतना नहीं जानते, हमारा हस्बैंड लोग जानता है, हम लोग उतना लेडीज नहीं जानते। अब इलाका है, दीदी का तो भय है? दीदी भय क्या चीज़ का होगा, नहीं भोल नहीं खुलने का क्या है, दीदी के इलाके में तो ही हम लोग है, ये जो है ये सब पोर्ट का जगह है, ये तो हम लोग सरकार का थोड़ी, ये तो पोर्ट का जगह है। हाँ, पोर्ट का जगह। तो मतलब आप लोग इसमें रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, कब तक दीदी पक्का मकान देगा कहीं पे? अब हम लोग को तो ये नहीं बोला पक्का मकान देगा कि नहीं देगा, मान लीजिए पोर्ट वाला बोले कि हमारा जगह है लेने को आया, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? तो देंगे तो हम लोग को, देंगे तो हम लोग भी जाएंगे, ये तो बना है सब, तो हम लोग का ये टूटा भंगा था, ये तो सब बना है, ये सब बना है। मतलब ये जो मकान कच्चे मकान है, तो मतलब यहाँ अभी परमानेंट आप लोग नहीं है, हटना पड़ सकता?
लोग को जब का उस लोग का मन होगा हम लोग को हटा सकता है। दीदी बोली कि पक्का मकान नहीं, नहीं दीदी कहाँ से, हम लोग को दीदी से कहाँ बात होता है कि हम लोग को दीदी कुछ बोलेगा, हम लोग नहीं जानते भैया कुछ, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, पीछे देखिए जो आदि गंगा नदी है, एकदम दिल्ली की जो यमुना है उससे भी खराब इसकी स्थिति है। लोग डर के मारे बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कैमरा भी हमने बहुत लोगों से बात की, कई सारी उन्होंने बातें बताई, लेकिन कैमरा के सामने बोलना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि दीदी का घर यहाँ से 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। और बंगाल में क्या स्थिति है, फांसी पे लटका दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, कितनी बुरी स्थिति है बंगाल की आप देख ही रहे हैं समाचार के माध्यम से, हमारे माध्यम से। आप देखते रहिए प्यारा भारत, धन्यवाद।